एक जो थीसिस है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो एक जो थीसिस है उसके स्टार्ट के अंदर एक समरी लिखी जाती है जिसको हम एबस्ट्रेक्ट या समरी का नाम देते हैं ये शॉर्ट डिस्क, डिस्क्रिप्शन है यानी जो आपका पूरा थीसिस है ये उसका खुलासा है अब आमतौर पर जो एबस्ट्रैक्ट है इसको थीसिस के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर लिखा जाता है लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर की जो समरी है वो बिल्कुल थीसिस के एंड के ऊपर लिखवाई जाती है दूसरा जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका जो टॉपिक होता है उसकी मार्केटिंग है इसके अंदर आपने कंप्रिहेंसिवली ये बताना होता है कि जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया इसके मुतालिक पहले कितना काम हुआ उसके बाद ये जो काम आपने सिलेक्ट किया इसकी जरूरत क्या क्यों महसूस हुई उसके बाद आप जो काम करने जा रहे हैं उसके अंदर आप क्या करेंगे और उस की इंपॉर्टेंस क्या होगी यह आमतौर पर जो थीसिस का इंट्रोडक्शन है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कंबाइन करके लिखा जाता है अगर इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कंबाइन करके लिखा जाए तो फिर जो इंट्रोडक्शन है उसको लिखने का स्टाइल जरा डिफरेंट होगा फिर इसके अंदर हम डिटेल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे इसके अंदर तमाम जो प्रीवियस पब्लिश लिटरेचर है उसको इसका पार्ट बनाएंगे यानी उसकी कंप्रिहेंसिव डिटेल हम देंगे कि पहले क्या काम हो चुका है और गैप्स कहाँ पे हैं कौन कौन सा ऐसा एरिया है जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ और उसके बाद मुख्तलिफ जो स्टडीज हैं उनकी क्या लिमिटेशंस रही हैं अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर और इंट्रोडक्शन को कंबाइन करके नहीं लिखा जाता तो फिर आमतौर पर जो इंट्रोडक्शन है उसको शॉर्ट लिखवाया जाता है दो से ढाई पेजेस का इंट्रोडक्शन उस सूरत में काफी होता है जो तीसरा पार्ट है मटेरियल्स एंड मैथड इसके अंदर हमने अपने काम के मुतालिक डिटेल प्रोवाइड करनी होती है कि हमारा प्लान ऑफ वर्क क्या है हम स्टडी कब करेंगे हम स्टडी पे पे करेंगे या हमने हमने स्टडी की उसके बाद उसके बाद अंदर कौन-कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया उसके बाद किस मेथोडोलॉजी को हमने फॉलो किया उसके बाद हमने जो रिजल्ट्स आए उसको अगर एनालाइज किया तो उसका एनालिसिस जब हमने किया तो उसके लिए कौन से स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का हमने इस्तेमाल किया ये तमाम चीजें हम मटेरियल्स एंड मेथड के सेक्शन के अंदर लिखेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा रिजल्ट्स हमने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या अगर हम एक टेक्सोनिक स्टडी कर रहे हैं तो हमने अगर मुख्तलिफ जो एनिमल्स को स्टडी किया उसके जो डिस्क्रिप्शन होगी उसके जो डायग्नोस्टिक करेक्टर्स होंगे उसके जो मुख्त बॉडी पार्ट्स की जो मैजरमेंट्स हैं उसको हम इस पार्ट के अंदर शामिल करेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा डिस्कशन इसके अंदर हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे दूसरे रिजल्ट्स के साथ मसल हमने एक स्टडी की हमारी स्टडी दूसरी स्टडी से कैसे मैच करती है या उनसे कैसे डिफर करती है उसके बाद अगर हमारे रिजल्ट्स प्रीवियस स्टडीज से डिफर करते हैं तो उसकी पॉसिबल रीजन्स क्या हो सकती हैं और इसके अंदर हम ये चीज भी शामिल करेंगे कि जो हमने स्टडी की उसके अंदर अगर कोई लिमिटेशन है तो वो क्या थी उसके बाद हम मजीद जो है इस स्टडी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और हमारी प्रोडिक्शन क्या हो सकती हैं उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है इसके अंदर हम रेफरेंसेस लिखेंगे हमने जब थीसिस का इंट्रोडक्शन लिखा उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा उसकी डिस्कशन लिखी उसके अंदर हमने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स बहुत सारे थीसिस बहुत सारे हमने मोनोग्राफ या और जो पब्लिश मटेरियल था उसका इस्तेमाल किया तो उसको हम साइट करते हैं हम टेक्स्ट के अंदर भी साइट करते हैं और बाद में रेफरेंसेस के अंदर या साइटेशन के अंदर हम फुल साइटेशन उनकी प्रोवाइड करते हैं इसी तरीके से जब हमने एक रिसर्च आर्टिकल लिखना होता है तो रिसर्च आर्टिकल के अंदर हमने सबसे पहले एबस्ट्रेक्ट लिखना होता है जो कि शॉर्ट समरी होती है इसके अंदर आमतौर पर हम 200 से 250 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो कि एक से डेढ़ पेज का इंट्रोडक्शन होता है उसके बाद, methods, इसके अंदर हम केमिकल्स की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं हमने केमिकल्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया उसकी पूरी डिटेल देते हैं लेकिन जब हम रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो उसके अंदर इन चीजों को ब्रीफ किया जाता है उसके बाद फिर रिजल्ट रिजल्ट को हम बहुत कंप्रिहेंसिव तरीके से शॉर्ट रिजल्ट हम रिसर्च पेपर के अंदर लिखते हैं और इसके अंदर जो नंबर ऑफ फिगर्स और नंबर ऑफ टेबल्स की जो तादाद होती है वो लिमिटेड होती है थीसिस के अंदर हम डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन जो रिसर्च आर्टिकल है उसके अंदर रिजल्ट्स को शॉर्ट करके लिखा जाता है उसके बाद डिस्कशन और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स लिखी जाती हैं और लास्ट जो पोर्शन है वो रेफरेंसेस हैं यहां पे हमने अपने रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर जिन जिन रिसर्च आर्टिकल्स को या बुक्स को या रिव्यू आर्टिकल्स को या थीसिस को कंसल्ट किया उनके रेफरेंसेस हमने लास्ट पर शामिल करने होते हैं